बच्चे कुछ कमाने के लिए मेहनत करना चाहिए, घर के हाउस वाइफ होने के साथ साथ कुछ अपना सेल्फ डिपेंड भी होना चाहिए। हिम्मत हारने से हमारा कुछ नहीं होने वाला। जब तक अपन अपने डट के अगर मुकाबला नहीं करेंगे तो हम उस पीछे दौर में चले जाएंगे। तो हमेशा हमको डट के मुकाबला करना चाहिए और मेहनत से काम करना चाहिए, हर मंजिल पास होती है। जो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है वो हमारे एकल अभियान में पढ़ाया जाता है, संस्कार दिया जाता है, सातों विषयों का ज्ञान दिया जाता है। मैं ये सभी महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि अपने को सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, खुद अपने पैरों पे अगर दो पैसे कमाए तो वो खुद का अपना जरिया होता है। हर महिलाओं को कुछ ना कुछ करना चाहिए। किसी भी संगठन और परिवार को चलाने के लिए महिलाओं का जो रोल होता है वो सबसे अहम होता है। ऐसे ही एकल अभियान को भी आगे ले जाने में उन माताओं का, महिलाओं का, दीदियों का बहुत बड़ा योगदान है। आज हमारे साथ एक ऐसी दीदी मौजूद हैं जो मध्य प्रदेश की हैं और इन्होंने मध्य प्रदेश में जो एकल के ग्रामोत्थान के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनमें महिलाओं को जोड़ा, उनसे उनको लाभान्वित किया और वो आज आगे बढ़ी हैं। हमारे साथ मौजूद है सरोज साहू जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसे मध्य प्रदेश के परसिया में एकल काम कर रहा है, कैसे वहाँ महिलाएं लाभान्वित हैं। दीदी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है एकल भारत के चैनल में। जय श्री राम। मेरा नाम सरोज साहू है, मध्य प्रदेश MP पतालकोट तामिया से हूँ मैं और मेरा एक साल हो गया एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन में काम करती हूँ। इससे पहले मैं एकल अभियान में काम करती थी और मैं ये सभी महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि अपने को सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, खुद अपने पैरों पे अगर दो पैसे कमाए तो वो खुद का अपना जरिया होता है। हर महिलाओं को कुछ ना कुछ करना चाहिए, जैसे कि सिलाई कढ़ाई बुनाई, जैसे अपन को अपने ही घर के भी काम के साथ साथ अपन ये कर सकता है। जैसे एक ब्लाउज बनाएंगे हमको समथिंग 100 से 150 रुपए मिल सकता है ना, नहीं कर सकते अपन बाहर का पर अपने घर का कर सकते हैं, उससे अपना पैसे की बचत भी कर सकते हैं, अपने बच्चों के कपड़े सिल सकते हैं। या इसी प्रकार जैसे ब्यूटी पार्लर भी, जैसे कि कुछ कोर्स अपने एकल ग्राम उत्थान के माध्यम से भी दिया जाता है, तो इसी प्रकार हमको ब्यूटीशियन का कोर्स किया जाता है, जैसे मेहंदी, ब्यूटी पार्लर और उसी में एक नए नए प्रकार की जो एडवांस कोर्स होते हैं वो भी सिखाया जाता है। तो मैं सभी महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ कि वो खुद दो पैसे कमाने की अपना खुद का एक छोटा सा पर्सनल शॉप भी खोल सकते हैं या अपने घर में भी कर सकती हैं। सभी महिलाओं से ये कहना चाहूँगी कि कुछ कमाने के लिए मेहनत करना चाहिए, घर के हाउस वाइफ होने के साथ साथ कुछ अपना सेल्फ डिपेंड भी होना चाहिए। दीदी, सबसे पहले तो एक सवाल आपसे पूछूँगा कि आप एकल अभियान में सबसे पहले कब जुड़ी? एकल अभियान में 2013 से जुड़ी हूँ। तब आपके पास कौन सा दायित्व था? जब मैं एक आचार्य थी और मैं नहीं जानती थी कि एकल अभियान क्या होता है, मैंने वहाँ जाके सीखा कि संस्कार। तो कैसे जुड़ी एकल से, कैसे जुड़ गई आप? एकल से मैं ऐसा जुड़ी कि मेरा मतलब मेरे गांव में एक महिला कार्यकर्ता पढ़ाती थी, वहाँ पर मैं पढ़ने जाती थी। पहले तो मैं स्टूडेंट रही हूँ, स्टूडेंट रहने के बाद में वहाँ मैंने सीखा कि संस्कार क्या चीज़ होती है, शिक्षा क्या होती है, खेल खेल के माध्यम से हमको कैसे सिखाया जाता है। उसके बाद मैं एकल से जुड़ी और एकल से जुड़ने के बाद मुझे बहुत सारा संस्कार के माध्यम से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। जब आप आचार्य थी, आचार्य के बाद आज कौन से पद पर? अभी मैं मध्य प्रदेश कोऑर्डिनेटर के रूप में हूँ। आज आप पहले एक आचार्य यानी कि 30 बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ आज आप लगभग मध्य प्रदेश में जो भी एकल के कार्य हैं उन कार्यों को देख रही हैं, तो ये सफ़र कैसा रहा 2013 से एक आचार्य से मध्य प्रदेश कोऑर्डिनेटर तक का, ये सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। और मैं सभी महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ कि हिम्मत ना हारे, हिम्मत हारने से हमारा कुछ नहीं होने वाला। जब तक अपन अपने डट के अगर मुकाबला नहीं करेंगे तो हम उस पीछे दौर में चले जाएंगे। तो हमेशा हमको डट के मुकाबला करना चाहिए और मेहनत से काम करना चाहिए, हर मंजिल पास होती है। आप एक आचार्य थी, मतलब पूरे लगभग 10-12 वर्ष आपकी सेवा आयु होगी, तो क्या कभी ऐसा नहीं हुआ घर वालों ने कहा कि कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो? क्योंकि प्रायः क्या होता है कि महिलाओं को घर से बाहर निकलो, क्योंकि जो हमारी हमारा समाज है उसमें ये बड़ी समस्या है, तो ये कैसे किया आपने? कुछ घर में भी हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, पर कुछ हमने हमारे परिवार में, मतलब मेरी फैमिली, सास ससुर परिवार, फैमिली, पति, ये सभी को हमने एक विश्वास जीता कि हम एक महिलाएं कुछ कर सकते हैं, कुछ दो पैसे कमा सकते हैं और पढ़े लिखे हैं तो कुछ हम आगे करें। तो उनका हमने पहले घर में विश्वास जीता, विश्वास जीतने के बाद हमको एक काम में हम आगे बढ़े।
और हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि हम ये काम कर पा रहे हैं और हम सारे लोगों से मिल पा रहे हैं, जिन लोगों की हमारी उम्मीद नहीं थी कि हम कभी रांची आ जाए और यहाँ सभी भाई बहनों के साथ में मीटिंग अटेंड कर सके और हम एक गांव के रहने वाले शहर में जाएंगे तो थोड़ा सा कन्विंस तो होगा कि लोग शहर के अलग होते हैं, गांव के एक अलग होते हैं, पर उनसे बातचीत करना, उनसे सीखना, उनसे बातचीत मतलब हर एक छोटे छोटे माहौल में ढलना बहुत बहुत अच्छा लगा। और मैं सभी महिला आपने इतने लोगों के साथ काम किया, इतने महिलाओं के साथ क्या किया, और खासकर आप जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र में ऐसी क्या कौन सी चुनौतियाँ जो चुनौतियाँ एकल अभियान के माध्यम से आप धीरे धीरे सरल हो रही हैं? जैसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे लोग पहले दिक्कतों में थे, अब थोड़ा सही हो गया, वो भी एकल अभियान के माध्यम से? हाँ, पहले तो ऐसा था कि महिलाओं को मतलब नहीं एकल विद्यालय में जाने देते थे और वो सीखने भी नहीं देते थे। जैसे कि हमारा एकल अभियान के माध्यम से हमारा हरिकथा का चलता है, तो 9 महीना अयोध्या जाके उन लोग सीखती हैं, सीखने के बाद वो प्रशिक्षण लेके आती है और फिर उनके गांव छोटे जो हमारा एकल अभियान चलता है जहाँ पर एक आचार्य होता है और 30 बच्चे को वो कन्वर्ट करते हैं, उनको पढ़ाया जाता है, तो वहाँ से हम एक ऐसी महिला को निकालते हैं जो संस्कार के माध्यम से जुड़ा जाता है। और फिर वहाँ जाने के बाद वो जब उन 9 महीने अयोध्या जाते हैं और अयोध्या जाने के बाद वो 9 महीना प्रशिक्षण लेते हैं, गाँव जाके वो एक संस्कार देती हैं, और संस्कार देने के बाद उनको बहुत ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर कुछ अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए और देश के लिए। एक आखिरी सवाल कि आपने 11-12 साल काम किया मध्य प्रदेश में, काम किया मध्य प्रदेश भी और उन इलाकों में काम किया जहाँ साधन और संसाधनों की कमी थी, तो ऐसे में उन क्षेत्रों में क्या बदलाव, इन 1100 में आपने अपने आंखों से क्या बदलाव देखा जो एकल के माध्यम से आया? मैंने एकल के माध्यम से ये बदलाव देखा कि हर कहना चाहिए जो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है वो हमारे एकल अभियान में पढ़ाया जाता है, संस्कार दिया जाता है, सातों विषयों का ज्ञान दिया जाता है। ये बदलाव है कि जब अब देखो गांव और शहरों में तो ये थोड़ा सा अंतर तो है कि गांव के बच्चे और शहर के बच्चे, बस इतना है कि रहन सहन, बोलना चालना, ये बहुत सारा चीज़ों का सुधार आया बच्चों में भी और देखने को मिला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद क्षमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सरोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बताया कि कैसे मध्य प्रदेश में उन इलाकों में एकल ने काम किया जहाँ पहले महिलाएं बाहर नहीं आती थी, आज महिलाएं आगे बढ़ चढ़ के हर चीज़ में हिस्सा ले रही है, साथ ही साथ वो खुद के लिए धनोपार्जन भी कर रही हैं, स्किल सीख के, चाहे वो सिलाई हो, कढ़ाई हो, ब्यूटिशियन, ऐसे सारे कोर्सेज से वो जुड़ रही हैं और अपने साथ साथ अपने समाज को भी आगे ला रही हैं।